देखिए जी इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, बाकी गोभी उसके अंदर छोटी सी है खाने लायक, बाकी उदास हो रही है यहाँ पे, आगे मैं कल ठीक है। अरे बस बस, रो मत। अरे वाह 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 वाह, चार चांद लगा दे आज ब्लॉग में। पहाड़ की लड़कियों को ऐसा काम करना पड़ता है भाई, मतलब बचपन से ही स्ट्रगल देखा है भाई। अभी हम घास का कीड़ा लाएंगे, उसको भी दिखाना। अरे वाह, चलिए जी, दीक्षा ने गर्मा गर्म चाय ला दी है। यहाँ ऊपर जंगल है पूरा, तो यहाँ दीक्षा बोल रही है कि खतरा है, बल आप अंदर बैठ जाओ। वाह 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 वाह, बाहर आते ही दिख रहा है कि आज जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दे रखा उसका आज दूसरा दिन है और काफ़ी डेंजर लग रहा है भाई। वाह, और इतना भी मुझे पता है कि अगर मौसम विभाग वाले भी आजकल मौसम देख रहे होंगे तो शायद वो भी सोच रहे होंगे कि नौकरी से रिजाइन दे देते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, आपकी गलती नहीं है, प्रकृति है भाई, इसके साथ हम भी आप भी सब फेल हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। दिल सीधा सादा कर बैठा वादा, ओह सॉरी मैं भूल गया। तो चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन सुखाने डाल रखी है धूप में, तो जरा किचन की तरफ चलते हैं, क्या हो रहा है इधर, कुछ खास ही बन रहा होगा। चलिए जरा अंदर देखते हैं, किचन में खुशबू तो आ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ खास बन रहा होगा। और खास, अरे वाह, खास ही बन रहा है साहब, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म मैक्रोनी, और बनाने वाली भी खतरनाक। वाह, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन फाइन। हैं, क्या है? पाइन, कैसा पाइन? फाइन, अच्छा फाइन, सॉरी इसकी इंग्लिश थोड़ा ड्रावनी है, क्या हो गया, क्यों रो रही? ड्रावनी इंग्लिश है इसकी, और इसकी इंग्लिश को देख के इसके टीचर भी डरते हैं, हम तो नॉर्मल बात है, क्यों नहीं डरते हैं, डरते हैं। और गौशाला की बात की जाए, मधुली और बिंदु को अंदर बांध रखा है, सुबह उनको बाहर निकाल रखा था लेकिन जैसे ही थोड़ा धूप लगी उनको अंदर बांध दिया है। और बाकी भाई अपने आंगन में तो चिड़िया आ रखी, और चिड़िया के आने के बाद भाई आंगन में एक सुकून सा आता है। तो चले जी, नाश्ते को याद कर ही रहा था तब तक अनिता ने ला दिया गर्मा गर्म नाश्ता। आ चुके हैं अपने घर के शेर, चुपचाप इज्जत से आके दीवार के पास बैठ गए हैं और पूंछ हिला रहे हैं ताकि इनका मालिक थोड़ा खुश हो जाए, नहीं तो इनको पता है कि इनको अभी कोचिंग पढ़ाई जाएगी। तो देखिए जी, खच्चर भी लगे हैं गांव में सामान लाने पे। हालांकि सड़क आज की डेट में हर जगह चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं जा पाई है, लेकिन एक सुविधा जरूर है कि खच्चरों के द्वारा सामान गांव तक ले जा सकते हैं। तो समय लगभग फिट 10 बज चुके हैं और अभी मैं पीछे खेत में जा रहा हूँ जहाँ माँ ने गोभी बो रखी है। एक्चुअली सभी लोग अपनी गोभी निकाल रहे हैं और सब बेच रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी निकाल देते हैं, जो ज़्यादा ही होगी तो दुकानदार में बेच देंगे और बाकी कुछ रिश्तेदारों में दे देंगे। तो इस पीरूल के पीछे है खेत, तो यहाँ तो चारों तरफ पीरूल है, तो मुझे यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ गोभी की छटनी हो रही है, यानी कि जो गोभी के ज़्यादा पत्ते उनको हटा दिया जा रहा है, और बाकी सामने से भाभी चिल्ला रहे हैं कि थोड़ा ये जो उन्होंने भारी कट्टा उठा रखा तो उसको उठा के दे दो बोल थोड़ा। तो कुल मिला के बात है कि हमारे गांव में जितनी भी गोभियां हो रखी है हर कोई आज बिजनेस कर रहा है और हर किसी की गोभी आज मार्केट में बिकने जा रही है। और भाभी जी से पूछना चाहेंगे कितने किलो तक बेच दिया आपने आज तक? है ऐसे कटे तो मैं रोज देख रहा हूँ लगभग। अरे वाह, तो चलिए फाइनली 50-60 क्विंटल तो बल बेच दिए हैं, बाकी 1 क्विंटल और जा रहा है अभी बिकने। तो देखिए जी, एक बात बताऊं, यहाँ की खेती और शहर की खेती में बहुत फर्क है। अगर यही खेती शहरों में होती तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक पैसा कमा चुके होते, लेकिन यहाँ जो आज हम गोभी को बेच रहे हैं 15-20 रुपए किलो बेच रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी बेचना, अगर बेचेंगे नहीं तो सारी सड़ जाएगी। बाकी चलिए फाइनली हम इस खेत में आ गए जहाँ मेरी माँ ने भी लगभग क्विंटल के हिसाब से गोभी बो रखी है, और इतना मुझे पता है कि गोभी तो क्विंटल के हिसाब से बो रखी, लेकिन हुई कुछ 1 किलो में होगी। बाकी अनिता यहाँ छटनी कर रही है, तो देखिए गोभी का सिर्फ इतना ही फूल खाने लायक होता है, बाकी इतने सारे पत्ते सब मधुली और बिंदु के लिए। तो कुल मिला के बात है कि गोभी छान के निकालनी पड़ रही है, यानी कि इतनी सारी गोभियाँ दिख रही, लेकिन हर किसी में नहीं हो रखा है, फूल किसी किसी गोभी में बन रखा है और बाकी सभी गोभी अभी ऐसी है, यानी कि अभी हर किसी के अंदर फूल नहीं बना। ओ भाई साहब, ये देखिए, देखिए जी इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, बाकी गोभी उसके अंदर छोटी सी है खाने लायक। बाकी भाई आजकल मॉनसून का जीता जाता उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अभी पुष्ता है ये हाल ही में 2-3 महीने पहले लगा और देखिए पूरा टूट गया, और उस वजह से जो भाभी लोगों के ऊपर गोभी भी बो रखी थी वो भी इसी पुष्ते के साथ नीचे आ रखी है। और यहाँ की बात की जाए तो 1 कट्टा लगभग हो चुका है नीमा, और कितना वजन हो रहा?
नहीं ज्यादा, माँ जी हंस रही है। एक्चुअली हंसने का रीजन ये है कि माँ जी को पता है कि मैं जरूर माँ जी को पॉइंट मारूंगा कि इतनी मेहनत करते हो और होता कुछ नहीं लास्ट में। लेकिन इसमें माँ की भी गलती नहीं है, मैंने एक चीज देखी है, आपके नसीब में जितना होता है आपको उतना ही मिलता है। और हमारे महाराज भी आ चुके हैं वहां से, यानी कि घर में बोर हो रहे थे तो इनको पता था कि हम कहां जा रखे हैं, तो ये भी खेतों में देखने आ गए कि गोभी कितनी हुई इस बार, क्योंकि गोभी का उगने में जो मेन सहयोग वो शेरों का भी है, क्योंकि जैसे यहाँ बंदर आते थे तो शेरों महाराज यहाँ आ जाता था भाग भाग के। तो कुल मिलाकर बात ये कि इस गोभी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा शेरों का भी होगा। खुश है ना, तेरे को भी होगा इसका आधा प्रॉफिट, ठीक है? तो चलिए, शेरों खुश हो गया भाई। अब बाकी भाई खेत से अपना जो मंदिर नया बन रहा है काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। तो मैं घर आ चुका हूँ और अपने धनों को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं और अनीता उस गोभी को दुकान पे देने जा रहे हैं। तो माँ ने बल किसी दुकानदार से बात कर रखी है तो वो गोभी उसकी दुकान पे रख देते हैं। तो अपने धनों को मैंने वहाँ पर खड़ा कर दिया है और बाकी अनीता ला रही है गोभी से भरा हुआ कट्टा। तो भाई कुल मिला के बात है कि उतने पैसे नहीं जितनी मेहनत करनी है, लेकिन हम पहाड़ियों की एक खासियत है, पैसे हो ना हो लेकिन मेहनत करना हम कभी नहीं भूलते। तो चलिए, जो दुकान में देने से पहले गोभी को थोड़े यहाँ पे तोलते हैं। यहाँ पर जो तोलने वाला कांटा है वो बड़ा है क्योंकि यह है परचून की दुकान। तो थोड़ा देखते हैं कितने किलो गोभी हुई। तो ये जो गोभी लेके आए हम, इसका जो वजन है 16 किलो 900 ग्राम, यानी कि 17 किलो मान के चलो। तो चलिए जी, जिस दुकान पे मैंने देना था तो उन्होंने अपनी सारी गोभियां इसी दुकान में रखी हुई है, और उनका बल कोई ट्रक आएगा तो उसमें जाएगी गोभियां नीचे। तो ये भी अच्छा हो गया, मेरे को आगे नहीं जाना पड़ेगा, मैंने यही रख दी सारी गोभी। तो मैंने अनीता से वादा कर रखा था कि जब तू मेरे साथ मार्केट चलेगी तो मैं तेरे को घर तक छोड़ के आऊंगा। तो अब इसको ऊपर सड़क तक छोड़ देता हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाए, खाने नहीं देगी शाम को। नहीं आ गया मैं, आ गया, जा इतनी टेंशन मत कर, जा। अभी मैं पोस्ट ऑफिस के पास आ रखा हूँ, तो भाई ने एटीएम अप्लाई किया था तो एटीएम भी फाइनली आ गया। तो अभी मेरे को देहरादून भिजवाना है भाई के पास, क्योंकि उसको पैसे निकालने में बहुत दिक्कत हो रही, कभी किसी खाते में भेजने पड़ रहे कभी किसी के, अब वो ऐसा कि अपने खाते से निकालेगा। हेलो, क्या हाल है? तो चलिए जी, जैसे ही मैं मार्केट से घर के लिए आ रहा था और मैंने बाइक यहाँ पर खड़ी कर रखी, तब तक हमारे दोस्त अखिल मिल गए। क्या हाल है मेरे भाई? और अहो भाग्य की बात है कि ये सरकारी लोग हैं, तो हमें बहुत प्राउड होता है कि हमारा कोई तो दोस्त सरकारी कर्मचारी है, हम तो बेरोजगार ठहरे हमेशा के लिए। सर, सर, क्या करें, हम तो यही बोलते कि हम जैसे सरकारी तो ये 3-4 नौकर रखते हैं अपने। ये काटना पड़ेगा यार, फिर क्या क्या बोलते रहते यार तुम भी। रास्ते का काम जो अटक रखा था वो भी अब पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे, और जो मिस्त्री वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बच्चे यहाँ पे बैठ रखे हैं। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है ना, चलो बढ़िया बढ़िया। तो मिस्त्री वहाँ पे काम कर रहे तो उनका जो लंच बॉक्स है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और मिस्त्री लगे काम पे, चलो बढ़िया बढ़िया बनाओ जरा, है बस दांत ना टूटे इस रास्ते में। चलिए जी, आगे बढ़ते बढ़ते अभी हमें मिले हैं हसीन परी, ओ सॉरी भाभी जी, क्या है भाभी जी, हैं हसीन परी बोलते इनका खून डबल हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा आया ना, बुढ़ापे में थोड़ा बोलते ना, थोड़ा दवाई देनी चाहिए, हसीनो हसीनो हसीनो, इसी से लोग खुश रहते हैं। नहीं भाभी जी, चलो बढ़िया, बाकी भाई लगे हैं काम पे, चलो ठीक है ठीक है। और बाकी भाई माँ जी लगी है अपनी गोभी निकालने पे, और बाकी शेरों ने मेरी आवाज सुन ली, आ जा। हाँ, आ गया भाई, हम घर पहुँच गए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। तो दिन की 12:30 बज चुकी है और मौसम यहाँ ऐसे बना हुआ है, उमस हो रही बहुत ज्यादा, और अनीता ने बोला गर्मा गर्म खाना खा लो बल। और आज जो चावल बना रखे वो बिल्कुल घर के लाल चावल बना रखे हैं। तो खाना खाने के बाद हम सो गए थे, तो अभी मैं उठा हूँ तो माँ जी भी आ गए, और अभी समय हो रहा है दिन की 1:30 बजे, और माँ ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, दिन भर लगी रही वहाँ खेत में दिन भर, और माँ ने एक पूरी छोड़ दी यहाँ पे। चलिए फाइनली माँ ने भी खाना खा लिया है। तो अभी 3:15 बज रहे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नजारा हो गया है अभी, यानी कि आज लग रहा है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी थोड़ा सही हो सकती है। और शेरू महाराज वहाँ पर बैठ रखा है और देख रहा है कोई आए ना। तो माँ भी घास के लिए चली गई है। बाकी सामने मेरी नानी के गांव से काले काले बादल घिर के आने लग गए हैं, और बारिश भी वहाँ से इधर की तरफ भागते हुए आ रही है। तो चलिए, शाम की 4 बज गए और अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज मुझे जाना है अखिल भाई के यहाँ, अखिल भाई स्पेशल इनवाइट कर रहे हैं मेरे को, चलो बोला आज मेरे घर में। तो अनीता हो रही है नाराज की, मत जाओ बोल। तो अनीता नाराज हो रखी कि आप जा रहे हो, बोला आज मैं बोल अकेली रहूंगी, उदास लगी। अंता, अंता, अरे कल आ गया मैं यार, ए बाबा, और लगी है मेरे पे सुबह से कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ठीक है ना,
रो मत अबे। अखिल महाराज के लिए भी चाय रख दिए। वैसे तो हमेशा मना करते कि मैं पीता नहीं मुझे ये इनका तकिया कलाम है कि नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर भी पी लेते हैं बेचारे। और अखिल महाराज शौक हो गए कि भाई बिस्किट तो सब देते बल चाय में तुम कुरकुरे खिला रहे हो। भाई क्या करें, नया ट्रेंड चलाना चाह रहे यार हम तो। चले अखिल महाराज को दे दें कुरकुरे, बाकी दो तीन मैं भी निकाल लेता हूँ चुपके से। देखिए जी इसका नया ट्रेंड चल रहा है, कुरकुरे को मुंह पे लेके आ रही है। वाह। और बाकी अखिल महाराज ने चपट कर दिए पूरे कुरकुरे। भाई मेहमान के लिए एक दो दिए थे यार, ऐसे थोड़ी बोला यार तुम सारा खा लो यार, एक दो तो रखते हमारे लिए फॉर्मेलिटी के लिए। देखिए जी चुपलिया चोर भी खाने लग गया कुरकुरा और भाई साहब पूरा खा लिया। देखिए अब दूसरा आ गया भाग भाग के। भाई साहब एक वहाँ, अरे लड़ाई मत करो। तो चले जी शाम की 4:30 बज चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं अभी खमकाल, बाकी उदास हो रही यहाँ पे है। तो ये सुबह से लगी भैया मत जाओ। क्या हो गया? नहीं तो मैं नहीं बोल रही। ऑन कैमरा देखा कितना झूठ बोल रही। तो कोई बात नहीं, आगे मैं कल ठीक है। अरे बस रो मत। अरे आ गया मैं कल ठीक है, उदास मत हो। तो ये उदास हो चुकी है, उदास नहीं होना ठीक है। हाँ चलिए निकलते अब खमकाल के लिए। बाकी अखिल की वो है, दोनों चलते हैं अपनी अपनी बाइक पे अब। चले जी मार्केट से जो सब्जी लेनी थी वो हमने ले ली है और बाकी अब हम निकल गए यहाँ से खमकाल गांव के लिए। तो ये जो मेन रोड जाती है, ये जाती है सेमो खेम के लिए और इसी रोड से नीचे कटता है अखिलेश के घर के लिए। फाइनली मैंने अपने धनु को यहाँ पे खड़ा कर दिया है, बाकी मैंने इसके स्टैंड के नीचे एक पत्थर भी रख दिया। तो एक्चुअली बरसात का मौसम है तो कहीं बारिश ना हो तो ये स्टैंड कहीं मिट्टी में न धस जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे पत्थर रख दिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे वैसे अखिलेश की छोटी बहन भी आ गई। क्या हाल है? अरे वाह 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 वाह, 4 चांद लगा दिया आज ब्लॉग में। तो देखो भाई ये देखो, पहाड़ की लड़कियों को ऐसा काम करना पड़ता है भाई, मतलब बचपन से ही स्ट्रगल देखा है। अरे वाह। तो देखो ये मना कर रही है कि हम, मतलब मैं कैमरे के आगे नहीं लाऊंगी। तो बाकी यह खमकाल गांव और काफी खूबसूरत गांव है। चलिए जी शाम की 7:30 बज रही है और बाकी अभी खमकाल गांव का कुछ ऐसा नज़ारा है और लोगों की लाइट ऑन हो गई और आज हम जो रहेंगे इस वाले कमरे पर रहेंगे। चलिए जी दीक्षा ने गर्मा गर्म चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं और फिर इसके बाद अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर जंगल है पूरा। तो यहाँ दीक्षा बोल रही कि खतरा है बल, आप अंदर बैठ जाओ। बाकी यहाँ पर मैं अभी अकेला बैठ रखा हूँ, गांव को देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रहना खतरे से खाली नहीं। तो जल्दी गर्मा गर्म चाय पीता हूँ और फिर अंदर बैठ जाता हूँ।